नमस्कार छात्रों, पिछले वीडियो में हमने लॉर्ड डलहौजी और उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के बारे में कुछ बातें की थी। आज हम उसकी इसी व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात गोद निषेध प्रथा या गोद निषेध नीति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डलहौजी जो एक बहुत ही साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, 1848 में भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था और गवर्नर जनरल नियुक्त होने के बाद अपनी साम्राज्यवादी नीति को पूरा करने के लिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने चार रास्ते अपनाए थे। नंबर एक, युद्ध के द्वारा। नंबर दो, राज्यों को कर्ज देकर या फिर बकाया कर्ज की वसूली के माध्यम से। नंबर तीन, कुशासन का आरोप लगाकर। और नंबर चार, गोद निषेध प्रथा के नाम पर। तो इन नीतियों के द्वारा उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की। युद्ध के द्वारा उसने पंजाब के राज्य को हड़पा, बर्मा को भारत में मिला लिया। कर्ज के माध्यम से, कर्ज के नाम पर उसने हैदराबाद राज्य के बराड़ क्षेत्र को हड़प लिया। कुशासन के नाम पर उसने अवध का विलय कर दिया। और गोद निषेध नीति चौथी, जो हम जिसको कह सकते हैं यह पर्टिकुलर डलहौजी के द्वारा बनाई गई नीति थी, उस नीति के द्वारा भी उसने भारत के कई राज्यों का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया। क्या थी यह गोद निषेध प्रथा, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत कहते हैं, यह इसका ज्यादा प्रचलित नाम जो है वह गोद निषेध प्रथा है, जिसको हम हड़प नीति भी कहते हैं। क्या थी उसकी यह गोद निषेध नीति, देखिए इसमें मैंने यहाँ पर कुछ बात यहाँ पर लिखने की कोशिश की है कि किसी राज्य या किसी राजा के पैतृक वारिस न होने पर, यानी उसके उत्तराधिकारी के न होने पर, कंपनी उस राज्य या उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला सकती थी। अर्थात वह राज्य जिस या जो राजा था उसका अगर कोई उत्तराधिकारी, उसका स्वयं का कोई पुत्र नहीं है, तो उसके मरने के बाद उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा। भारत में सामान्यतः एक परंपरा थी कि किसी व्यक्ति के पुत्र न होने पर वह अपने परिचित या किसी अन्य बच्चे को गोद लेकर उसे दत्तक पुत्र की हैसियत से स्वीकार कर लिया जाता था और उस दत्तक पुत्र को अपने ही पुत्र के समान सारी सुविधा या उसको सारे अधिकार मिलते थे। लेकिन यहाँ बात हो रही है राजाओं के बारे में, तो डलहौजी का ये कहना था कि किसी शासक के द्वारा गोद लिया गया जो पुत्र है वह राज्य पर उसके मरने के बाद शासन करने का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। डलहौजी ने यह नीति बनाई कि अगर कोई राजा, कोई जिस जो निसंतान है, वो अगर अपना पुत्र या किसी को गोद लेकर अपना दत्तक वारिस बनाता है, तो डलहौजी का ये मानना था कि वह दत्तक पुत्र उस राज्य का, उसके मरने के बाद उस राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। और इसके लिए उसने यह एक चीज जो क्लॉज लागू किया कि उसके लिए सार्वभौम सत्ता, यानी उस समय भारत में सार्वभौम सत्ता कौन सी थी, कंपनी के द्वारा उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक थी। तो एक तरह से उसने एक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की उन राज्यों के ऊपर या उन राजाओं के ऊपर जिनके स्वयं के कोई पुत्र नहीं था या जो निसंतान थे। अगर हम भारत में थोड़ा अगर इसके इतिहास को देखें तो भारत में गोद लेने की प्रथा कोई नई प्रथा नहीं थी। प्राचीन काल से हम देखते हैं कि भारत में कई लोग अपना पुत्र या पुत्री न होने की स्थिति में बच्चों को, किसी को भी बालक को गोद लेते थे और उस दत्तक पुत्र को सभी प्रकार के अधिकार, निजी पुत्र के रूप के सारे अधिकार उस दत्तक पुत्र को भी मिलते थे, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। अगर हम मध्यकाल की बात करें, मुगलों के या मुस्लिम शासकों के काल में, तो मुस्लिम शासकों ने भी इस परंपरा में कोई अडंगा लगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने भी इन राजाओं के द्वारा अगर किसी को गोद लिया गया तो उनको उन्होंने मान्यता प्रदान की। यहाँ तक कि अगर हम डलहौजी से पहले की बात करें तो डलहौजी से पहले के गवर्नर जनरलों ने भी ऐसी कोई नीति नहीं अपनाई।
यह पर्टिकुलर डलहौजी के द्वारा लागू की गई नीति थी। हमें ब्रिटिश शासक के काल में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां भारतीय राज्यों में राजाओं के मरने के बाद उनके दत्तक उत्तराधिकारियों को अंग्रेजों के द्वारा मान्यता दी गई। ऐसे कई उदाहरण जैसे 1827 में ग्वालियर के शासक दौलतराव सिंधिया की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को मान्यता दी गई। 1835 में झांसी के राजा रामचंद्र की मृत्यु हो गई तो उसके चाचा रघुनाथ राव को के उत्तराधिकार को मान्यता दी गई। इसी प्रकार 1841 में कोलाबा के शासक लेकिन यहाँ पर भी देखिए अंग्रेजों ने यहाँ पर भी भेदभाव की नीति अपनाई, किसी को स्वीकृति देते थे किसी को स्वीकृति नहीं देते थे। तो इस प्रकार यह डलहौजी जो था जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि येन केन प्रकारेण भारतीय राज्यों को समाप्त करके उन राज्यों को हड़प लिया जाए। जब अंग्रेजों अब यहाँ पर आप देखिए जब उसने अपनी यह नीति लागू की तो उसने उस नीति को किस प्रकार से लागू किया। डलहौजी ने भारत के जो राज्य थे जो अभी ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर थे उनका तीन भागों में वर्गीकरण किया। नंबर एक स्वतंत्र राज्य। स्वतंत्र राज्य वो राज्य थे जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पूर्व से विद्यमान थे और जब कंपनी के आने के बाद उनसे संधि की गई या कोई समझौता किया गया तो अंग्रेजों ने उसको पूर्ण सार्वभौमिक स्वतंत्रता की मान्यता दी थी। ऐसे स्वतंत्र राज्यों को गोद लेने का अधिकार दिया गया था, उनको गोद लेने का अधिकार था, वो किसी को गोद ले सकते थे और अंग्रेज उनको मान्यता देते थे। नंबर दो आश्रित राज्य। इनमें उन राज्यों को रखा गया जो ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश सत्ता के अधीनस्थ होने से पहले भी किसी और सत्ता के अधीन थे और बाद में ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ गए। जिनके अधीन थे उनको वो कर देते थे और ब्रिटिश राज्यों के अधीन आने के बाद उनको कर देने लगे थे। इनके लिए था कि अगर वो किसी दत्तक को गोद लेना चाहें तो उसके लिए उन्हें कंपनी की स्वीकृति लेना आवश्यक था, बिना कंपनी की स्वीकृति के वह गोद नहीं ले सकते थे और सामान्यतः कंपनी उनको स्वीकृति दे देती थी। तीसरा जो प्रकार के राज्य थे वो थे अधीनस्थ राज्य, जहाँ डलहौजी का ये कहना था कि उनका निर्माण कंपनी ने ही किया था या उनको कंपनी की मदद से ही उनको स्थापित किया गया था। ऐसे राज्यों को गोद लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं था, वह किसी बालक को गोद नहीं ले सकते थे और अगर ऐसा अधीन राज्य कोई था अगर उसका राजा निसंतान मर जाएगा तो उस राज्य का विलय सीधा ब्रिटिश भारत में हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा एक वर्गीकरण यहाँ पर देखने को मिलता है जिसमें डलहौजी ने एक प्रयास किया कि इस माध्यम अच्छा ऐसा भी नहीं था कि कौन से स्वतंत्र रहेंगे कौन से आश्रित रहेंगे या कौन से अधीन रहेंगे। डलहौजी ने अपने फायदे के हिसाब से इन राज्यों की कैटेगरी को बदलता रहा, जहाँ फायदा होता था उनको स्वतंत्र से हटाकर आश्रित में डाल दिया, जहाँ उनको आश्रित से हटाकर अधीन में डाल दिया। यानी उसकी ये नीति कोई तर्क पर आधारित नहीं थी, उसकी नीति सिर्फ एक ही पक्ष पर आधारित थी कि किसी भी प्रकार के साम दाम दंड भेद से उन राज्यों को हड़प लिया जाए। तो इस प्रकार की नीति जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये सारी व्यवस्था डलहौजी ने जो बनाई वो भारत में सिर्फ इन राज्यों को हड़पने का एक बहाना मात्र थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि डलहौजी ने अपने शासन काल में कई राज्यों को इस नीति के आधार पर हड़प लिया। पहला राज्य जो इस नीति का शिकार बना वह राज्य पेशवा का राज्य सतारा था, जिसको 1848 में हड़प लिया गया। जब वहाँ का 1818 की जो संधि हुई थी अंग्रेजों और पेशवा के मध्य, उस संधि के बाद प्रताप सिंह को एक छोटे से राज्य का शासक बना दिया। उसके मरने के बाद 1839 में अप्पा साहब को सतारा का शासक बना दिया गया था। 1848 में जब अप्पा साहब की मृत्यु हो गई, उनका कोई पुत्र नहीं था और जो उसने एक वेंकट राव नाम के लड़के को गोद लिया था और अंग्रेजों से उसको मान्यता देने की बात की थी लेकिन अंग्रेजों ने उसको मान्यता नहीं दी और अप्पा साहब के मरने के बाद डलहौजी ने 1848 में सतारा का विलय
कर दिया अंग्रेजी राज्य में। 1849 में जेतपुर और संबलपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का एक छोटा सा राज्य था जेतपुर। 1849 में इसके राज्य इसका जो शासक था उसकी मृत्यु हो गई थी और उसको भी मिला लिया गया था। इसके बाद संबलपुर का जो छोटा सा राज्य था बंगाल की उत्तरी पश्चिमी सीमा के ऊपर स्थित था, उस राज्य के राजा के मरने के बाद भी उसका भी विलय कर दिया गया। 1849 में बागड़ जो कि पंजाब की सीमा के पास एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था उसके राजा विजय सिंह की मृत्यु हो गई, उसका कोई पुत्र नहीं था। उसके बाद उसके छोटे भाई उम्मेद सिंह ने अपना दावा प्रस्तुत किया लेकिन अंग्रेजों ने उसके छोटे भाई का दावा स्वीकार नहीं करके बागड़ का भी विलय कर दिया। मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित एक छोटा राज्य था उदयपुर, उसका विलय अंग्रेजों ने कर दिया। नागपुर जो कि एक बहुत समृद्ध और एक बहुत बड़ा राज्य था जो लगभग 80,000 वर्ग मील क्षेत्र में था और 40 लाख रुपए जिसकी वार्षिक आय थी, उस राज्य को भी 1853 में विलय करके उसको भी हड़प लिया गया। और 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर जो कि निसंतान था जिसकी पत्नी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उसका भी विलय करने की घोषणा डलहौजी ने कर दी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यापकत्व सिद्धांत के द्वारा अपनी गोद निषेध नीति का प्रयोग करते हुए भारत के कई राज्यों को हड़प कर उनका विलय ब्रिटिश भारत में करके ब्रिटिश भारत की सीमाओं को बढ़ाने का काम किया, साम्राज्य विस्तार का काम किया और इस प्रकार जब तक वह रहा 1856 तक तब तक इसी नीति के आधार पर उसने भारत के कई सारे राज्यों को हड़प लिया। तो छात्रों इस प्रकार यह डलहौजी का एक व्यापकत्व सिद्धांत या गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी जिसके बारे में मैंने यहाँ पर संक्षेप में वर्णन किया है। आपको इससे संबंधित नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपसे अनुरोध है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इनको लाइक करें और यहाँ पर आपको जो मटेरियल उपलब्ध होगा उस मटेरियल को पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि करें। बहुत बहुत धन्यवाद।